नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाय जोराज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे खान सर के एनसीईआरटी इतिहास के क्लासिक्स से लेकर 12 तक के सार संग्रह के बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। और ये बुक एक दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह पर आधारित है जो कि खान सर के द्वारा लिखित ये बुक है। इस बुक में आपके जो आकर्षण पॉइंट है कॉन्सेप्ट बूस्टर है, मतलब इतिहास के हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में मानचित्र को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखा गया प्राचीन भारत, इतिहास मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास और महत्वपूर्ण मानचित्र भी आपको देखने को मिलेगा। इस बुक के साथ आपको एक कूपन कार्ड दोस्तों देखने को मिलेगा जिसका उपयोग करके आप इनके इतिहास के 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें इस बुक का MRP, तो इस बुक का जो MRP है 185 है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बुक के कोड को दोस्तों देख लीजिएगा, 4160 इस बुक का कोड है, ठीक है। तो कोड को देख के परचेज कीजिएगा। ये सभी बुक दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। खान सर के सारे बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलते हैं। इसमें कुल 5 बुक आते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, पर्यावरण, और 3 बुक साइंस के आते हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इन 8 बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, पूरा का पूरा GK GS आपका कवर हो जाएगा। कुछ एग्जाम वाइज बुक आते हैं सार संग्रह के नाम से, तो इन्हें भी आप ले सकते हैं एग्जाम के ज़रूरत के हिसाब से। अब दोस्तों आप देखेंगे इस बुक के अंदर नंबर ऑफ पेज आपको 272 देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा बुक है। केवल आपको 185 रुपये, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो सस्ते प्राइस पे आपको काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा खान सर का। ये NCERT इतिहास क्लास 6 से लेकर 12 तक के सार संग्रह है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 185 MRP है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों विषय सूची के बारे में, तो विषय सूची दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राचीन भारत का ये टॉपिक है, सिंधु या हरप्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल एवं मगध राज्य का उत्कर्ष है, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, और उसके बाद मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण, सुदूर दक्षिणी के दक्षिण इतिहास एवं संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकालीन भारत, इस्लाम का आगमन एवं अरब तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, उत्तर दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश है, उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मुगल साम्राज्य, शिवाजी और मराठा का राज्य, उत्तर मुगल काल एवं क्षेत्रीय राज्यों का उदय, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, 1857 का विद्रोह, 1857 से 1858 के बीच में जन आंदोलन, ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचारों पत्र का इतिहास, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, किसान मजदूर वामपंथी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नर जनरल वायसराय, कला संस्कृति और संबंधित पैक्ट, विश्व का इतिहास, गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मानचित्र आपको देखने को मिलने वाला है इस बुक के अंदर। अब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों ये, इस बुक को आप लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, साथ में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और उससे रिलेटेड आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आगे आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1863 में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टेबल भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि फैक्ट है। और इस बुक के अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो 6000 से ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पृथ्वी एवं मानव का विकास कैसे हुआ था, पाषाण काल, तो थ्योरी के साथ साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन का संगम इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कुछ टॉपिक दोस्तों देखिएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या होता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको साथ के साथ इन्होंने कवर किया है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक को आप परचेज
कोशिश कीजिए, आपके एग्जाम के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है। ठीक है, सारे टॉपिक को कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इतिहास के सारे टॉपिक को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल के साथ कवर किया गया है। क्वेश्चन तो दिया गया है, साथ में आपको इंपॉर्टेंट टेबल भी आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश वर्ड का भी यूज किया गया है कहीं कहीं पर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप दोस्तों देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक को साइड में कवर किया गया, आपका रिविजन बेहतर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो फैक्ट आपको टेबल में कवर करना चाहिए उसको टेबल में कवर किया गया है। सारा कुछ हाईलाइट भी किया गया है, ठीक है, नोट भी आपको दिया गया है इस बुक के अंदर। काफ़ी कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब इस बुक को लेने के बाद आपको कोई और बुक को लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक को इसी बुक के अंदर कवर कर दिया गया है। ठीक है, अंतिम में दोस्तों मैं दिखा दूँ आपको, मैप आपको देखने को मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण, जिसमें आपको मैप के माध्यम से बताया गया है कि प्राचीन काल से पूर्व मध्य काल तक वैदिक महाजनपद काल के बारे में बताया गया है कि कैसे था विस्तार, मतलब कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अशोककालीन अभिलेख कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसको मैप के थ्रू बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अशोककालीन साम्राज्य, तो ये अशोक का साम्राज्य है जितना भी ग्रीन कलर का है। मुख्य स्तंभ लेख है, तो ये जो रेड कलर से है ना, ये स्तंभ लेख है। यहाँ पे देखिए मेरठ में है, टोपरा में है, इस तरह से आप स्तंभ लेख को याद कर सकते हैं। स्तूप कहाँ पर है, तो ये ट्राइंगल, जैसे देखिए विदिशा में स्तूप है। विदिशा कहाँ पर है, तो ये मैप के जरिए आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मौर्यकालीन बंदरगाह के बारे में बताया गया, तो मैप को समझाया गया अच्छे तरीके से, और मैप भी बहुत ज़्यादा क्लियर है और अच्छा मैप है, आपको देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही बेहतर इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, हर एक पॉइंट को इस बुक के अंदर कवर इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो इस बुक से आप पूरा का पूरा इतिहास बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। कोई भी वन डे एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, या यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए ना, ISPCS हो गया, प्रीलिम्स हो गया, सभी एग्ज़ाम के, मतलब वन डे एग्ज़ाम को तो इस बुक से आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस बुक को आपने देख लिया, आपको इतिहास में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6000 से ज़्यादा फैक्ट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश लिखा गया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और उससे पहले मैं बता दूँ, इनके और ये चार बुक भी है, जिनका सारे का रिविज़न मैं मतलब वीडियो बना दूंगा। ये भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान का बुक है, पर्यावरण का बुक है, भूगोल का बुक है, और ये अर्थशास्त्र का बुक है। ठीक है, तो सभी का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।